हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवी। आज हम बात करेंगे मूवी जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डीमंस के बारे में, जो कि 2013 की एक एक्शन फैंटेसी मूवी है। रेटिंग्स की बात करें तो रॉटन टोमेटो पे इट्स 94% फ्रेश एंड IMDb पे से मिली है 6.8 out of 10। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ओल्ड मिथ्स जैसे कि डीमन, बुद्ध और मंकी किंग को दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं मूवी की कहानी से। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। विद दैट सेड, लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत बहुत ही प्राचीन वक्त में एक छोटे कस्बे में होती है और कस्बा एक नदी के किनारे रहता है। यहाँ पर एक छोटी बच्ची खेल रही थी और उसका पिता पानी में तैर रहा होता है। तभी पानी में कोई चीज़ आती है और उसे मार डालती है। गाँव वाले डर जाते हैं और यहाँ पर एक डीमन हंटर को बुलाते हैं। डीमन हंटर पानी में से एक बहुत बड़ी स्टिंगरे मछली को पकड़ उसे गाँव वालों को सौंप देता है। डीमन के पकड़े जाने पर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर सैनजेंग आता है जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है। सैनजेंग सबसे कहता है कि ये तो बस एक मामूली स्टिंगरे मछली थी और डीमन अब भी पानी में ही था। गांव वाले सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि वो कौन है। जैंग उनसे कहता है कि वो एक डीमन हंटर है, लेकिन दूसरा डीमन हंटर उसे डोंगी बताता है और उसे ये लोग मारकर ऊपर लटका देते हैं। डीमन के मरने की खुशी में सब गाँव वाले नदी में तैरकर मस्ती करने लगते हैं। वो चिल्लाकर सबको पानी से बाहर आने को कहता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर डीमन आते ही सबको खाने लगता है और लोग डर के इधर उधर भागने लगते हैं। जैंग खुद को आज़ाद कर लेता है और गांव वालों की मदद से फिर डीमन को पकड़ लेता है। पानी से बाहर निकलते ही फिर डीमन इंसानी फॉर्म में आ जाता है और गाँव वाले फिर डीमन को मारने लगते हैं, लेकिन जैंग उन्हें रोक लेता है क्योंकि जैंग दिल का बहुत ही अच्छा है। बाकी डीमन हंटर्स की तरह वो डीमंस को मारने में नहीं बल्कि उसके मास्टर ने सिखाया था कि डीमंस भी पहले इंसान हुआ करते थे, इसलिए उन्हें प्रायश्चित का मौका मिलना चाहिए। जैंग अब अपनी 300 नर्सरी राइम्स की किताब निकालता है और उसके राइम्स पढ़कर फिर डीमन को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन बजाय बदलने के फिर डीमन गुस्सा हो जाता है और जैंग को मारने लगता है। यहाँ पर डोन नाम की एक फीमेल डीमन हंटर आती है और फिर डीमन की बुरी तरह से पिटाई करती है। फिर वो उसे अपने जादुई थैले में कैद कर उसे एक पुतला बना देती है। डुआन जैंग से पूछती है कि उसने शैतानों का शिकार करना कहाँ से सीखा था। जैंग उससे कहता है कि उसने बच्चों के राइम्स की किताब से ही सीखा था। डुआनी सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। चैन यहाँ से अपने मास्टर के पास जाता है और बहुत रोने लगता है क्योंकि आज वो एक छोटी बच्ची को डीमन से बचा नहीं पाया। मास्टर उससे कहता है कि कोई बात नहीं, फिर डीमन बहुत वक्त पहले एक नेक दिल इंसान था, लेकिन वो एक दिन नदी में डूबती हुई बच्ची को बचा रहा था जिसे गाँव वाले समझते हैं कि उसे अगवा कर रहा था, इसलिए उन लोगों ने उसे मारकर नदी में ही फेंक दिया। उस दिन से फिज डीमन में इतना नफरत और गुस्सा बढ़ जाता है कि वो सबको मार रहा था। चैन अपने मास्टर से पूछता है कि क्या इन नर्सरी राइम्स में सचमुच में कोई ताकत थी भी या नहीं। मास्टर से शांत कराता है और उसे डीमन पकड़ने के लिए वापस भेज देता है। दूसरी ओर जंगल में पहाड़ियों के बीच हम एक यंग कपल को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों बहुत ही लजीज खाना खाकर उसमें खो जाते हैं। लड़की इतना टेस्टी खाना को बनाने वाले से मिलना चाहती थी और अंदर से होटल का मालिक बाहर आता है। वो बहुत ही हैंडसम रहता है जिसे देख लड़की उसकी दीवानी हो जाती है। लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। लड़की उससे बहुत ज़बरदस्ती करने पर वो जब अपना मुंह खोलता है उसकी चीख और दांतों को देख इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये दोनों जल्दी से जान बचाने के लिए भागने लगते हैं कि तभी ये लोग देख पाते हैं कि कुछ वक्त पहले जो लजीज खाना ये लोग खा रहे थे वो दरअसल इंसानी मांस था। इससे पहले कि इन्हें कुछ और सूझे डीमन इन्हें मार डालता है। आधी रात में जैंग भी इसी होटल में आता है और अंदर बहुत ही भीड़ जमी हुई थी जो कि बेसिकली एक इल्यूजन था। होटल के एक वेटर्स जैंग को बहुत ही प्यार से स्वागत करके उसे अंदर ले जाती है। डीमन हंटर होने के कारण उसे वहाँ पर पड़े हुए लाशों से लेकर मट्टी में पक रहे इंसान सब कुछ दिखता है। जैंग उससे कहता है कि वो एक शैतान का शिकारी था एंड उनका खेल अब ख़त्म हो चुका है। ये सुन डीमन उस पर हमला कर देती है, लेकिन डुआन यहाँ पर आकर उसे मार गिराती है। अब बहुत सारे डीमंस मिलकर इन पर हमला कर देते हैं, इसलिए डुआन अपने जादुई वेपन इन्फ्लेट फ्लाइंग रिंग की मदद से इनकी छुट्टी कर देती है। इन सबको मारने के बाद डुआन बॉस डीमन को बाहर आकर उसका सामना करने को कहती है। ये राक्षस दरअसल में पिग डीमन था जो देखने में बहुत ही भद्दा मगर बहुत ही ताकतवर भी रहता है। डुआन जैंग से कहती है कि वो पिग डीमन के मुँह से उसका डीमन एसेंस को बाहर निकाले। जैंग ना चाहते हुए भी पिग डीमन के मुँह में अपना मुँह लगा उसके एसेंस को चूस लेता है। इसके बाद डुआन पिग डीमन को अपने जादुई थैले में कंटेन कर लेती है, लेकिन जादुई थैला पिग डीमन को कैद नहीं कर पाता। पिग डीमन अपने फाइनल फॉर्म में बाहर आ जाता है
और डुआन जैंग को लेकर जंगल में भाग जाती है। जंगल में डुआन जैंग के सामने अपने कपड़े निकाल कर जख्म पर मलम पट्टी करने लगती है, जिसे देखकर जैंग को बहुत ही शर्म आती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। बाद में डुआन अपनी आंखें बंद करके चैन को उसे किस करने को कहती है, क्योंकि उसे पसंद करती थी, लेकिन जैंग यहाँ से उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है। अब जैंग फिर से अपने गुरुजी के पास जाता है, जो उसे पिग डीमन के पास्ट के बारे में कहता है। बहुत वक्त पहले पिग डीमन केल हॉग नाम का एक इंसान था, जो बहुत ही बदसूरत रहता है, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा था और उसकी एक सुंदर पत्नी भी थी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन उसकी पत्नी ने एक दूसरे आदमी के साथ मिल उसे धोखा दिया और एक खंजर से उसे मार डाला था, एंड तब से वो एक शैतान बन जाता है। जैंग अपने मास्टर से हेल्प मांगता है, जिस पर वो जैंग को सबसे ताकतवर डीमन मंकी किंग की तलाश में जाने को कहता है। मंकी किंग को 500 साल पहले बुद्ध ने एक पहाड़ में कैद कर दिया था। जैंग अपने सफ़र पर निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले मास्टर उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि मंकी किंग बहुत ही चालाक था और जैंग को उसकी 300 नर्सरी राइम्स की किताब भी देता है। अब जैंग रात में जंगल पार कर रहा होता है और उसे वहाँ पर कुछ जंगली लोग पकड़ लेते हैं। जैंग देखता है कि इन लोगों ने डुआन को भी बंदी बना लिया था। ये लोग जैंग को अपने कपड़े उतार कर डुआन को हक करने को कहते हैं। तब इनका भांडा फूट जाता है, क्योंकि दरअसल ये सब डुआन के लिए ही काम करते थे। डुआन ने इनसे ऐसा करने को कहा था ताकि जैंग उससे प्यार करे। जैंग डुआन से कहता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक डीमन हंटर हूं और मेरा लक्ष्य ही मेरे लिए सब कुछ है। ये सुनकर डुआन गुस्सा हो जाती है और उसे पिंजरे में डलवा देती है। देर रात में पिग डीमन इनके पीछे पड़ जाता है, जिसमें डुआन घायल हो जाती है। अब यहाँ पर 3 ताकतवर डीमन हंटर आते हैं एंड पिग डीमन को भगा देते हैं। जैंग डुआन को मरा हुआ समझ लेता है और रोते हुए से गले लगा लेता है, लेकिन डुआन मरने का नाटक कर रही थी और जैंग की उसके और फीलिंग्स को देख वो खुश हो जाती है। सैनजंग इस पर गुस्सा हो जाता है और डुआन का प्यार को दोबारा से ठुकरा देता है। सैनजंग का ऐसे करने पर डुआन भी गुस्सा हो जाती है और उसके नर्सरी राइम्स की किताब को छोटे टुकड़े टुकड़े में फाड़ देती है। डुआन के ऐसा करने पर सैनजंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो यहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाता है। महीनों के सफ़र के बाद आखिरकार सैनजंग को वो गुफा मिल जाती है, जिसमें मंकी किंग 500 साल से कैद था। सैनजंग जब गुफा के अंदर जाता है, उसे वहाँ पर मंकी किंग मिलता है, जो कि बहुत ही अजीब और बूढ़ा हो चुका था। मंकी किंग सैनजंग से कहता है कि वो पहले बहुत ही बेवकूफ़ था, इसलिए बुद्ध ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया था। उसका कहना था कि वो बदल चुका है और उसके अंदर अच्छाई और सराफत के अलावा कुछ नहीं था। सैनजंग मंकी किंग से मदद मांगता है ताकि वो पिग डीमन को काबू करके उसे अच्छा कर सके। मंकी किंग सैनजंग को गुफा के अंदर एक होली सील दिखाता है, जिसकी मदद से वो स्वर वाले शैतान को हरा पाएगा, लेकिन सैनजंग सील लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो सील ही था जो मंकी किंग को इतने सालों से गुफा में कैद किए हुए था। मंकी किंग सैनजंग से गुस्सा होकर उसे डराने की कोशिश करता है। बात ना बनते देख वो डेस्परेटली गुफा से बाहर छलांग लगा देता है, लेकिन सील उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसके ऊपर बिजली के कोड़े बरसाता है। मंकी किंग अब बहुत रोने लगता है और सैनजंग से कहता है कि 500 साल से उसने अपने पसंद का कुछ नहीं खाया। सैनजंग उसे केला देता है और मंकी किंग उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो कहता है कि पिग डीमन अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था और उसने उसके लिए एक गाना भी लिखा था। अगर चांदनी रात में कोई सुंदर लड़की वो गाना गाए तो पिग डीमन उसकी ओर खींचा चलाएगा, जिसके बाद मंकी किंग सब संभाल लेगा। गुफा में डुआन भी आ जाती है, जो कि दरअसल सैनजंग का बहुत ही महीने से पीछा कर रही थी, क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। सैनजंग उसे भगा देता है, लेकिन मंकी किंग उसे रोक लेता है, क्योंकि पिग डीमन को अपने जाल में फंसाने के लिए इन लोगों को एक सुंदर लड़की की ज़रूरत थी। आज पूर्णिमा की रात थी, इसलिए डुआन गुफा के ऊपर एक बहुत ही सुंदर डांस करती है। डुआन की खूबसूरती को देखकर पिग डीमन यहाँ पर खींचे चला आता है, जिसे मंकी किंग गुफा के अंदर खींच लेता है। गुफा के अंदर वो उसे एक छोटे पिग के रूप में बदल देता है, जिसे डुआन अपने जादुई थैले में कैद कर उसे भी एक पुतला बना देती है। क्योंकि सैनजंग को डीमन से हमदर्दी होती है, डुआन उसे अपने पकड़े हुए दोनों डीमन्स को दे देती है। डुआन उससे सॉरी कहती है, क्योंकि उसने पहले उसकी किताब को फाड़ दिया था। डुआन अपने हथियार इन्फिनेट फ्लाइंग रिंग को एक रिंग में कन्वर्ट करती है, जिसे वो सैनजंग को पहना देती है, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती है। सैनजंग रिंग निकालने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो बाहर नहीं आता, इसलिए एक पत्थर निकाल कर अपनी उंगली काटने जा रहा था। डुआन का दिल टूट जाता है और वो उसे रोक लेती है। जाने से पहले वो सैनजंग को उसकी वही नर्सरी राइम्स की किताब लौटाती है, जिसे उसने पूरे 3 दिन लगाकर चिपकाया था। उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता, इसलिए किताब उल्टी पुल्टी चिपक गई। सैनजंग किताब लेने से मना कर देता है और डुआन यहाँ से चली जाती है। सैनजंग गुफा के ऊपर उदास बैठा था, क्योंकि वो भी डुआन से प्यार करता है, मगर उसे अपना नहीं सकता। उसे निर्वाणा की इस प्राप्ति के लिए ये सेक्रीफाइस देनी होगी। गुफा के अंदर से मंकी किंग उसे आवाज़ लगाकर पूछता है कि क्या चांदनी रात है। गुफा के मुँह को कमल के फूल ने छिपा रखा था,
इसलिए उसे चांद दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर सैजन कमल के फूल को तोड़ देता है और फूल टूटते ही सारे फूल जलने लगते हैं और मंकी किंग अपनी कैद से आज़ाद हो जाता है। मंकी किंग ने उसे झांसा दिया था क्योंकि दरअसल जो सील उसे गुफा में रखे हुए था वो असल में कमल का फूल ही था। मंकी किंग अब पूरे 500 साल के बाद आखिरकार अपने कैद से आज़ाद हो जाता है। सैजन मंकी किंग के आगे आते ही अपने हाथ जोड़ लेता है और बुद्ध को प्रार्थना करने लगता है। मंकी किंग इस पर गुस्सा हो जाता है और जैंग के सारे बाल उखाड़ देता है, लेकिन फिर भी सैजन बुद्ध को पूजता है। मंकी किंग उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वो तीन ताकतवर डीमन हंटर आते हैं और मंकी किंग को लड़ाई की चुनौती देते हैं। लड़ाई में मंकी किंग आसानी से जीत जाता है और इतनी जोर की दहाड़ लगाता है जिससे तीन लोग राख बन जाते हैं। मंकी किंग वापस सैजन की ओर बढ़ता है, लेकिन डोन आकर मंकी किंग का सामना करती है। सैजन उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डोन इसकी बात नहीं सुनती और मंकी किंग डोन को मॉर्टली वाउंडेड कर देता है। मरने से पहले सैजन डोन से अपना प्यार कन्फेस करता है और इसके रिंग को कबूल करता है। डोन के मरने के बाद मंकी किंग उसके शरीर को हवा में उछालकर वेपराइज कर देता है। सैजन बहुत ही दुखी था, लेकिन अचानक से वो ध्यान की मुद्रा में आकर अपनी किताब से बुद्ध सूत्र का जाप करने लगता है। डोन ने अनजाने में राइम्स की किताब को चिपकाकर उसके अंदर की छिपी सूत्र को बाहर निकाल दिया था। सैजन के जाप और ध्यान से कॉस्मिक बुद्ध पृथ्वी के बाहर से मंकी किंग को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। मंकी किंग भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, मगर वो बुद्ध के एक हाथ मात्र के सामने चींटी से भी ज़्यादा छोटा नजर आता है। मंकी किंग हार जाता है, जहाँ पर सैजन डोन के रिंग को उसके सर पर रखता है, जिससे मंकी किंग हमेशा के लिए उसका डिसाइपल बन जाता है। सैजन को भी एनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाणा की प्राप्ति हो जाती है और वो बन जाता है तृप्तिका। तृप्तिका अपने गुरु का आशीर्वाद लेता है और अपने तीन डीमंस के साथ अपनी जर्नी टू द वेस्ट कंटिन्यू करता है, एंड इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी ये मेहनत ज़रा सा भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस जर्नी में मैं नया हूँ, तो आप सब अपना साथ देकर मुझे मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।